हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम लोग काम करने के दौरान हम लोग का बहुत बार ट्रांसफ़र भी होता है और हम लोग को न्यू जॉब कहीं पे जाके ज्वाइन भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम कोई नया प्रोजेक्ट में जाके काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम इसीलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि वो जो नया प्रोजेक्ट है उसका क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट उसके बारे में पता नहीं चलता है, या हमको उस प्रोजेक्ट के क्या सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है उसके बारे में पता नहीं चलता है, या उस जो स्टेट में हम लोग जाके काम करें उस स्टेट का क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलता है, जिसके चलते हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं कि किस तरह आप जाके एक नया प्रोजेक्ट में आप अपना काम को स्टार्ट कीजिएगा सारे चीज जानते हुए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सपोज आप लोग मान लीजिए कि हमारा जो ट्रांसफर होता है या हम लोग कहीं जाके कोई दूसरा कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जब कोई कंपनी में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एंट्री करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें आपको एक बेसिक चीज दिया जाता है जो हम लोग बोलते हैं इंडक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग। तो इंडक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग जो दिया जाता है उसमें आपको प्लांट का स्थिति के ऊपर, ज्योग्राफिकल पोजीशन के ऊपर, उसका इमरजेंसी एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे है, ये सारे चीज़ आपको उस ट्रेनिंग के माध्यम से और उस प्लांट में क्या क्या हजार भी इन्वॉल्व है ये सारे चीज़ के बारे में आपको उस इंडक्शन ट्रेनिंग में जानकारी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ का इंडक्शन ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि हम उस इंडस्ट्री का यानी उस इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कैसे जानेंगे, उस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन को पहले आपको जानना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो HSC प्लान बना है तो HSC प्लान को आपको थरोली स्टडी करना पड़ेगा। तो थरोली स्टडी करने से क्या है ना, आपको बहुत सारा जानकारी वहां से आपको मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा जो क्लाइंट के साथ आपका जो कंपनी है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से क्या होगा ना, क्लाइंट और आपका कंपनी के बीच यानी आपका जो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसके बीच जो टर्म एंड कंडीशंस हुआ है सेफ्टी रिक्वायरमेंट का, वो सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उस प्रोजेक्ट का जो लीगल रजिस्टर होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं लीगल रजिस्टर क्या किसे बोला जाता है ना, सपोज हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी एक प्लांट में काम करने वाला है एक क्लाइंट के अंडर में, तो जो स्टेट में वो काम करता है और उस स्टेट का जो जो रूल वो प्लांट के लिए एप्लीकेबल है और उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है और उसको वो कैसे कंप्लाई कर रहा है, तो वो सारा चीज एक रजिस्टर में मेंशन करके वो लिख के रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीगल रजिस्टर। और ये आपको कई सारा कंपनी में इसको ROR भी बोलते हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ये भी बोलते हैं। तो आपको उस चीज़ को थरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी हो जाएगा। और क्या करना है ना, और आप उसका इमरजेंसी प्लान जो है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान जो है, ये सारे जितना प्लान बना हुआ है इसको भी आपको थरोली एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा जानकारी उस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट के बारे में आपको मिल जाएगा। देन आपको क्या स्टडी करना है, प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर, जैसे मैं आपको बताऊँ एक प्रोसीजर PTW प्रोसीजर यानी परमिट टू वर्क प्रोसीजर, तो परमिट टू वर्क प्रोसीजर को भी आपको एक बार थरोली पढ़ लेना है और जो भी बाकी प्रोसीजर है उसको भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और आपका जो जॉब कैरेड आउट हो रहा है यानी जो जॉब साइट में जारी है उसके लिए भी आपका JSA नहीं तो हीरा PPR हुआ होगा, तो उसको भी आपको एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर ये सारा चीज आप थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइज में, कोई भी स्टेट में, कोई भी न्यू जॉब स्टार्ट करने में आप लोग को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और आगे आप लोग इसी तरह देखते रहिए सेफ्टी नॉलेज। नमस्कार।